नमस्कार, मैं चौधरी अशरमा, स्वागत है आप सबको बोल्ड एंड लाउड शो। दोस्तों, असम में चल रहे एनआरसी अपडेशन के संदर्भ में हमारा इस खास चर्चा में हमारा पहला विषय था असम में ही एनआरसी क्यों हो रहा है। इस सवाल के ऊपर चर्चा करते हुए हमने पिछले एपिसोड में 1901 से 2011 तक का सेंसस रिपोर्ट को विश्लेषण करके ये साबित करके दिखाया कि जिस मनगढ़ंत कहानी के आड़ में असम में मुसलमानों का नरसंहार किया गया और बाद में जिस नरसंहार को असम आंदोलन का नाम देकर वाहवाही हासिल करके राजनीति का स्वाद चखा गया और साथ ही एनआरसी अपडेशन करने की मांग को असम एकॉर्ड में डाला गया, और यही है वो वजह जिसके कारण आज असम में एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया चल रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले 31 जुलाई को एनआरसी की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट निकलने के बाद ये साबित हो गया है कि असम आंदोलन एक मनगढ़ंत कहानी के आड़ में छेड़ा गया था, और इसी वजह से आज बीजेपी आशु और एजीपी के लीडर्स, एजीपी मतलब असम गण परिषद, आशु मतलब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, तो इन संगठनों के लीडर्स ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि एनआरसी कराने का जो मूलभूत उद्देश्य था उस उद्देश्य में कामयाबी नहीं मिली। हो सकता है आप लोगों को ये बात समझ में ना आ रहा हो। आइए हम आप लोगों को इस बात का तात्पर्य बताते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया कि कुछ पॉलिटिशियन और संघ के लोगों ने मिलकर ये अफवाह फैलाया था कि हर दिन डेढ़ों मुसलमान बांग्लादेश से असम आकर बस रहे, और इसी के कारण ही असम में मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। लेकिन वास्तव में छवि अलग है, और हमने आप लोगों को सेंसस रिपोर्ट का विश्लेषण करके सारी सच्चाई बताई। एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट निकलने के बाद जब ये छवि स्पष्ट हो गया कि जो कहा जा रहा था कि मुसलमान बांग्लादेश से आ रहे हैं यहाँ और यहाँ बसे हुए हैं बांग्लादेश से आकर, लेकिन वास्तव में उल्टा छवि दिखाई दिया। ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार की संख्या में ही मुसलमान बांग्लादेश से भारत में आए हुए हैं, और बाकी जो लोग आए हैं वो मुसलमान नहीं बल्कि वो कोई दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये देखने के बाद ही बीजेपी आशु और एजीपी के लीडर्स बौखला गए और वो कुछ भी भोक रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं ये लोग। কারণে গোটেই এন আর সি টো হৈছিল সেইটোতো ৰাস্তাত নাই। এতিয়া আৰু নাগৰিকত্বৰ কথাটো চিন্তা কৰি কি লাভ আছে? গোটেই অসম আন্দোলনৰ পৃষ্ঠভূমিটোৰ ওপৰতে প্ৰশ্নবোধক চিন আহি গল। যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট আছিল IMDT আইনত, সেই জাজমেণ্টটোৰ গোটেই ভিত্তিটো আছিল যে বৰ্ডাৰ জিলাবিলাকত জনসংখ্যা অভূতপূৰ্বভাৱে বাঢ়িছে, অথচ এন আৰ চিত ওলালে যে বৰ্ডাৰ জিলাবিলাকৰ পৰা নামেই কথা যোৱা নাই। লগৰ নিচিনা জেগাত আজি যদি আমাৰ হিন্দু বেংগলী ভোট 5000 কমি যায়, হয়তো এই চিটটো আমাৰ পৰা ওলাই গুচি যাব। আমি এইটো ৰাখিব নোৱাৰিম। ঠিক তেনেকুৱা আৰু বহুত কেইটা চিট আছে, তেনেকুৱা হৈছে অলপ অলপ 5000-10000 ভোট কমি গ'লে এই চিটকেইটা আমাৰ কাৰণে হাতৰ পৰা চিঞৰ দিনৰ কাৰণে ওলাই যাব। যিসকল আমাৰ কাৰণে প্ৰকৃততে আমাৰ কাৰণে ট্ৰেড বুলি ভাবি পেলাই আমি এন আৰ চি বা আন্দোলন কৰিছোঁ, সেইসকলৰ 80-90% মানুহৰ নাম সোমাই গ'ল। নাগৰিকত্বটো ইছ্যু কৰি লাভ নাই। কেনেকৈ হাইলাকান্দিত নাম কাটা যাব পাৰে, কেনেকৈ ধুবুৰীত কাটা যাব পাৰে, কেনেকৈ গোৱালপাৰাত কাটা যাব পাৰে সীমান্তৱৰ্তী জিলাবিলাকত, সেইটোহে আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব লাগে। तो सुनिए दोस्तों, देखिए ये लोग कैसे संविधान के दायरे के बाहर जाकर भोग रहे। अभी इनका कहना ये है कि जबरदस्ती मुसलमानों को बांग्लादेशी बनाकर उनको देश से बाहर निकाला जाए। क्या इन लोगों की ऐसी बातों से देश की माहौल नहीं बिगड़ेगा? इसका मतलब वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना सही है कि ये लोग गृह युद्ध लगाना चाह रहे हैं, और अगर इन लोगों को अभी भी संभाला नहीं गया तो ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को कई टुकड़ों में बांट देंगे, और हो सकता है यही इन लोगों की प्लान है, और इसीलिए ही ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। जरा सोचिए लोग। बहरहाल चलिए, असम में ये एनआरसी क्यों हो रहा है, इस प्रश्न के संबंध बाकी सच से आज हम आप लोगों को रूबरू कराते हैं। इससे बहुत सी लोगों के चेहरे से नकाब भी हट जाएगा। दोस्तों, आप सबको ये बात मालूम है कि असम एजुकेशन के नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आशु ने दिया था, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं कि आशु के लीडर्स किसके इशारों पे काम कर रहे हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे आखिर तक इस वीडियो में, और इस वीडियो को देखते रहिए।
दोस्तों 1979 के मार्च महीने में शिवसागर में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आशू के कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें प्रफुल्ल कुमार महंत को आशू का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया था, जो बाद में असम के दो बार के सीएम रहे थे। और उसी कॉन्फ्रेंस में भृगु कुमार फुकन उनको आशू का जनरल सेक्रेटरी निर्वाचित किया गया। आशू के उसी कॉन्फ्रेंस में 21 रिजोल्यूशन लिया गया था, जिनमें से एक रिजोल्यूशन ऐसा था जिसमें यह कहा गया था कि देश के दूसरी हिस्सों से लोग असम में आकर असम की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं और इससे असमी लोगों की आइडेंटिटी खतरे में है और इस पर एक जोरदार आंदोलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव पास किया गया था। लेकिन आशू की उस कॉन्फ्रेंस के दौरान या उस कॉन्फ्रेंस में लिया गया 21 रिजोल्यूशन में एक बार भी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की जिक्र नहीं किया गया था। और बाद में भी जब आशू ने अपना एजिटेशन स्टार्ट किया, तब उनका बेसिक उद्देश्य यह था देश की अन्य राज्यों से आए हुए लोगों को रोक के असामी लोगों की आइडेंटिटी को बचाना। अभी आप लोगों की जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आशू का एजिटेशन बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ नहीं था तो आशू इसमें शामिल कैसे हुआ। ये सवाल सही है, लेकिन यहाँ एक यू टर्न है और इस यू टर्न का वजह थे दो पुलिस अफसर। इनमें से एक थे मिस्टर हिरण्य कुमार भट्टाचार्य और दूसरे थे मिस्टर प्रेमकांत महंत। 1 मार्च 1979 में हिरण्य कुमार भट्टाचार्य को आईजीपी बॉर्डर की पोस्ट में पोस्टिंग दिया गया और उसके बाद प्रेमकांत महंत को बॉर्डर पुलिस डिवीजन का एसपी के तौर पे पोस्टिंग दिया गया। और इन दोनों ऑफिसर की उसी पदों में ज्वाइनिंग के दिन से ही असम की नरसंहार का स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ऑफिसर संघ से प्रभावित थे और इनका पोस्टिंग बॉर्डर में किया गया था एक सोची समझी प्लान के तहत। उन दोनों का पोस्टिंग असम में जिस सरकार द्वारा किया गया था वो सरकार था जनता पार्टी का। उस सरकार में सीएम थे मिस्टर गुलाब बरबरा, जो कि स्वतंत्रता के बाद असम की पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट था और वो सरकार 18 महीने में ही गिर गया था। तब जनता पार्टी जनसंघ से प्रेरित था, जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनकर उभर के आया। खैर, उन दोनों ऑफिसर्स ने संघ के प्रति वफादारी खूब दिखाई। बेकसूर बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदू को पकड़कर उन लोगों को बांग्लादेशी बताकर तब एक माहौल बनाया और बाद में ये दोनों ऑफिसर ने आशू के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को अपनी प्लान में शामिल कर लिया और आशू का पूरा एजिटेशन को एंटी बंगाली बना दिया, जो बाद में धीरे धीरे बंगाली मुसलमानों के खिलाफ एक एजिटेशन बन गया। आशू के इस मुहिम के साथ धीरे धीरे ऑल असम गण संग्राम परिषद और असम साहित्य सभा जैसे संगठन भी जुड़ते गए और एक समय ऐसा आया कि एजिटेशन एक मास एजिटेशन बन गया और सदियों से असम में रह रहे मुसलमानों को बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स बताकर उनको असम से निकलने की आंदोलन बना दिया गया। मार्च 1979 से अप्रैल 1980 तक असम एजिटेशन एक ऐसा आग पकड़ा कि तकरीबन पूरा साल असम बंद रहा। तब देश की प्रधानमंत्री की पद पे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। असम के इस हालात को काबू करने के लिए उन्होंने तब की होम मिनिस्टर ज्ञानी जल सिंह जी को असम भेजा, लेकिन कोई नतीजा ना निकलने की वजह से इंदिरा जी ने असम के गवर्नर तब के गवर्नर एलपी सिंह से इस बारे में विचार विमर्श किया। और इंटरेस्टिंगली एलपी सिंह को ये जानकारी था कि हिरण्य कुमार भट्टाचार्य जी का जो पुलिस अफसर थे हिरण्य कुमार भट्टाचार्य जी का आशू के लीडर्स के साथ रिलेशन है और इसीलिए गवर्नर एलपी सिंह ने एचके भट्टाचार्य को बुलाकर बात की और स्टूडेंट लीडर्स के साथ निगोशिएशन करने को कहा। लेकिन जबकि संघ द्वारा किया गया प्लानिंग का आखिरी पड़ाव अभी बाकी था, इसलिए भट्टाचार्य ने स्टूडेंट लीडर्स को समझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई और आखिर में इस नेग्लिजेंसी के कारण भट्टाचार्य को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और एनएसए के तहत साल भर जेल में गुजरना पड़ा। लेकिन संघ के इशारों से उन दोनों ऑफिसरों के लगाया हुआ आग धीरे धीरे बढ़ता गया और आखिर वो घड़ी आ गया जिसका इंतजार संघ को था। अपर और लोअर असम के छुटपुट घटना के साथ एक काली रात ऐसी आई जिस रात गरीबी की मार से परेशान लोग अपने घरों में सो रहे थे।
18 फरवरी 1983 की वो काली रात कहर बनकर टूटा उनके ऊपर। बच्चे बूढ़े औरतें किसी को भी बख्शा नहीं गया और सिर्फ 6 घंटे के अंदर तकरीबन 5000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस नरसंहार की चर्चा देश और पूरी दुनिया में होने लगी। इससे भारत सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता गया, सरकार भी सख्ती से पेश आने लगी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने खुद असम के उन इलाकों में दौरा किया और पीड़ित लोगों के साथ मिलकर उन लोगों को दिलासा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दौरान 31 अक्टूबर 1984 की एक सुबह इंदिरा गांधी जी की मौत का पैगाम लेकर आया। इसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर बैठने की महज 5-6 महीने के अंदर असम में जलती हुई इस आग को काबू करने में कामयाब हो गए। आखिर में 14 अगस्त 1985 में भारत सरकार और आशू के लीडर्स के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ जिसको असम एकर्ड कहा जाता है। उसी असम एकर्ड में यह तय किया गया था कि असम में एनआरसी अपडेशन किया जाएगा और कट ऑफ डेट रहेगा 24 मार्च 1971 के मिडनाइट तक। मतलब 24 मार्च 1971 के मिडनाइट तक जो लोग बांग्लादेश से भारत आए थे उनको देश की नागरिक समझा जाएगा। उस तारीख के बाद जो लोग हमारे देश में आए थे उन लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पे आइडेंटिफाई करके देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यही है असम में आज चल रही एनआरसी अपडेशन की वजह। अभी यहाँ एक सवाल आती है कि आखिर जीत किसकी हुई? आशू की जीत हुई? नहीं, आशू तो संघ के इशारों में चलने वाला एक काठपुतली निकला। जीत तो आखिर संघ का ही हुई। आशू का जो एजेंडा ही नहीं था उसी को एजेंडा उन लोगों ने बना दिया। हाँ, ये बात और है कि इस एजेंडा की वजह से 2 बार इनके हाथ असम का सत्ता आया जरूर और आज भी वो सत्ता के साथ ही है। लेकिन मोरली नैतिकता में अगर देखा जाए तो जीत संघ की हुई। भाई को भाई से लड़ा के असम ने अपना जड़ मजबूत कर लिया, लेकिन संघ फिर भी खुश नहीं है क्योंकि इस साल 31 जुलाई में एनआरसी का जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट निकला, उस ड्राफ्ट लिस्ट निकलने के बाद जब ये बात सामने आया कि तकरीबन 40 लाख लोगों का नाम एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया और इन 40 लाख लोगों में मुसलमानों का नाम बहुत ही कम संख्या में है और जिन मुसलमानों का नाम नहीं आया फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में उनमें से 99% लोगों का नाम इसलिए नहीं आया कि उन लोगों ने अपनी एनआरसी एप्लीकेशन में किसी ना किसी गलती किया है या गलत सबमिशन दिया है या एनआरसी अथॉरिटीज की कोई गलती ही इसका वजह हो सकता है। और इसीलिए ही संघी मोहरे गला फाड़ फाड़ के अभी चिल्ला रहे हैं। संघ की उन मोहरों के संघी मोहरों के बातों से ये जग जाहिर हो गया कि उन लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही थे, चाहे वो मुसलमान असम में सदियों से ही क्यों ना रह रहे हो। इनके हिसाब से बांग्ला भाषा में बात करना मतलब बांग्लादेशी। इतनी मशक्कत के बाद भी जब उनको दिखाई दे रहा है कि उन लोगों का प्लान नाकाम हो गया, इसीलिए ही वो गला फाड़ फाड़ के अभी चिल्लाने में लगे हुए हैं। ये लोग अपने आप को समझा नहीं पा रहे कि इतना मारकाट, नरसंहार, मुसलमानों का मकान झोपड़िया जलाने के बाद, पानी में बहा देने के बाद भी कैसे आज मुसलमान अपनी नागरिकता का प्रमाण दे रहे हैं। आज उनकी हालत ऐसी है कि एनआरसी अपडेशन प्रोसेस पे उनका भरोसा नहीं रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि देश की सुप्रीम कोर्ट पे भी इन लोगों का भरोसा नहीं रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखकर एनआरसी अथॉरिटीज को प्रेशर में डाल के ये इन लोगों ने ऐसी लाखों लोगों का नाम एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में ले आने में कामयाब हो गए जिनका कोई लिगेसी डाटा नहीं है, जिनका कोई लिंकेज डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसी हजारों लोग, लाखों लोगों का नाम एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में आ गया। मतलब एनआरसी के आड़ में ये लोग अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए हिंदू बांग्लादेशियों को असम में नागरिकता दिला रहे हैं। इस संदर्भ में हम अपने आने वाले एपिसोड में विस्तार से तथ्यों के आधार पर हमारी ये दावा भी साबित करके दिखाएंगे। देशवासियों को सचेतन होना चाहिए इनके आने वाले एजेंडा के बारे में। एनआरसी के साथ ये लोग अभी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट लाके हिंदू बांग्लादेशियों को असम में बसाने की फिराक में, ताकि उनका एक परमानेंट वोट बैंक
बना रहे। जरा सोचिए दोस्तों, आज के डेट में असम में तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी है और बांग्लादेश में तकरीबन 2.25 करोड़ हिंदू रहते हैं, और अगर धर्म के आधार पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया तो इन 2.25 करोड़ हिंदुओं को हमारे देश में जगह देना पड़ेगा और इसका ज्यादातर बोझ असम को ही उठाना पड़ेगा। इससे बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, आपराधिक मामले, आबादी आदि ट्रिमेंडसली बढ़ जाएगा। ऐसे ही आज के डेट में देश की नागरिकों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार आज तक हर क्षेत्र में विफल रही, एक भी वादा पूरी नहीं कर पाई, लेकिन राजनीतिक फायदा के लिए ये लोग आज देश को आग में डालने में भी पीछे नहीं जा रहे। देश के लिए इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकता है? जरा सोचिए दोस्तों, क्या सरकार ने देश की हर नागरिक को रहने के लिए पक्का मकान दे दिया, हर घर में नौकरी दे दिया, देश की नागरिकों को हर बुनियादी सुविधा मुहैया किया गया? हाँ दोस्तों, देश की नागरिकों के लिए अगर ये सारी काम सरकार ने कर लिया है तो हम देश की जनता सरकार के इस कदम को सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या देश सरकार ने सब कुछ अपना कमिटमेंट फुलफिल कर दिया? जरा सोचिए दोस्तों, इतिहास की ऐसी जानकारी और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण को लोगों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और पहचान वालों से सब्सक्राइब करवा के और खुद सब्सक्राइब करके ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई नया वीडियो जो भी निकलेगा उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद।